हेलो गाइस, वेलकम टू एचआर एजुकेशन। एचआर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साहब। गाइस देखिए, एक वीडियो है आप सभी लोगों के लिए जो कि जून 2019 के, अगर किसी के लिए कुछ डिसअपॉइंटेड रिजल्ट्स रहे हैं, किसी के लिए थोड़ा सा दुख भरे रिजल्ट्स रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। हालांकि डाल तो मैं इसे कल या परसों ही देता, लेकिन काफ़ी सारे लोग आपका दुख बांटने के लिए तैयार थे, तो मुझे लगा कि एक बार उन लोगों को आपको जो है आपका दुख बांटने के लिए रहने देना चाहिए, और उसके बाद हम भी जो है आपके साथ थोड़ा सा दुख बांट लेंगे, थोड़ा सा गाइडेंस दे देंगे, और थोड़ा सा ऐसा बता देंगे कि भाई शायद कुछ हेल्प आपकी हो सके। तो ये वीडियो पूरा का पूरा उसी लिए है। देखिए, फुल कोर्स डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, तैयारी का तरीका थोड़ा सा बताने वाला हूँ, किस अप्रोच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ आई कैन हेल्प यू, मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ज़्यादा कोई लेक्चर या फालतू बात नहीं करनी है मुझे इसके अंदर। आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आपको जो फ्री लेसन्स है वो ईजिली अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट 600 के आसपास लेसन्स है जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन के अंदर, चाहे आप पेपर वन की बात करें, जनरल पेपर ऑन टीचिंग की, चाहे आप बात करें जो कि आपका पेपर टू कॉमर्स या मैनेजमेंट, जो कि मेरी अपनी पेपर टू की फील्ड है, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके फॉलो कर लेना चाहो तो। देखिए गाइस, सबसे पहली बात कि अक्सर हमारे मन में अभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि हमें ये क्यों कर रहे हैं या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो वक्त है आपके पास, ये शायद गिरने का वक्त नहीं है, ये आपको उठने का वक्त है। इस ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा कोई कहावत के कारण नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सपोज़ करिए, आप अगर कहीं 20-25 हज़ार रुपये की कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहे होते अभी, और वहाँ बैठ के अगर ये सोच रहे होते कि काश मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता, काश मैं एक बार नेट दे के देख लेता या एपी का पेपर दे के देख लेता, शायद वो ज़्यादा दुखदाई होता, आपके लिए दुख भरा होता, रादर देन कि जहाँ आप अभी स्थिति में हैं कि आप करके एटलीस्ट फेल हुए हैं। आप अगर फेल हुए हैं, कोई बात नहीं, आपसे जो गलती हुई है आप उसे सुधार लेंगे, ये वक्त नहीं है उसे छोड़ने का। हाँ, अगर आपको ये चीज़ छोड़नी थी, इसके अंदर नहीं आना था, तो शायद वक्त जो है वो दूसरा था, उस दौरान ही आपको ये फैसला कर लेना चाहिए था कि वेदर यू एक्सेप्ट 20 to 25 thousand 8 से 12 घंटे की जॉब, या फिर जो है आप एक ऐसी फील्ड में आना चाहते हैं जहाँ पर आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, जहाँ पर आपको जो है लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी नॉलेज को शेयर करने का मौका मिलता है। तो अगर आपके मन में ये सपना जिंदा है, तो थोड़ा सा संघर्ष करिए। लोग 4, 5, 6 बार भी एग्ज़ाम के अटैम्प्ट दे के निकालते हैं, और उनके मैसेजेस भी आते हैं। इवन 8-8 बार अटैम्प्ट दे के कई लोग जो हैं वो उस पेपर को निकालते हैं, और तब भी उन्हें खुशी होती है। तो इस टाइम फ्रेम में जो है वो ज़िंदगी को मत बांधिएगा, कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे टाइम फ्रेम है। जैसे ही आप 4 या 5 साल के होते हैं, आपको स्कूल भेज दिया जाता है। जैसे ही आप जो है 17 या 18 साल के होते हैं, आपके ऊपर एक अलग प्रेशर आने लग जाते हैं, जो आप समझ जाएंगे, मैं नहीं बोलूँगा इसके अंदर। तो आप जैसे ही 20-22 साल के होते हैं, आपके पास कमाने के प्रेशर आ जाते हैं, और भी फैमिली प्रेशर्स आपके ऊपर आने लगते हैं, और ये जो 60-70 साल की हमारी ज़िंदगी है ना, ये इसी टाइम फ्रेम के प्रेशर्स में जो है वो बीत जाती है। देखो, एग्जाम्पल्स बहुत हैं जिन लोगों को कामयाबी जो है वो थोड़ा जल्दी मिल जाती है, कईयों को जो है वो लेट मिलती है। बस इस बात का ख्याल रखिए कि आप उसको ट्राई करते रहें, और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपके लिए ज़रूर रखी है। और एक बात और जो आपको मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, कि देखिए, अगर आप टाइम फ्रेम में बांधना चाहते हैं ज़िंदगी को, और आप ये चाहते हैं कि आपको 20 से 25 साल की उम्र में ही सब कुछ मिल जाए, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस टाइम फ्रेम के दौरान कामयाबी मिलती है। कईयों को जो है वो लेट मिलती है, कईयों को इससे भी जल्दी मिल जाती है। तो प्लीज़ इस टाइम फ्रेम से निकल जाइए, और ये जो वक्त है आपके लिए उठने का है, ये वक्त गिरने का नहीं है। गिरना था तो इस फील्ड में आए ही क्यों, सिंपल सी बात है। आप लोगों को थोड़ा सा जोर लगाना होगा, और तीन एक छोटी सी टिप्स आप लोगों के लिए है, जो आपको शायद एक लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो दिलवा सकती है, जो मुझे ऐसा लगता है। पहली बात कि एक हमेशा जो है वो आप अर्ली अडॉप्टर के रूप में रहिए। हमेशा जो है वो आप चीज़ों को पहले ये सोच के रखिए कि आप हमेशा चीज़ों को सबसे पहले जो है वो अपनाएंगे। हम हमारी एक ख़राब बात होती है, हम चेंज को लेके बहुत रेजिस्टेंस होते हैं। अगर हम 8 बजे उठते हैं, तो हमें 6 बजे उठने का भी बोल दिया जाए, तो भी हम ऐसा करता है, हमें ऐसा मन लगता है कि भाई हम चेंज नहीं चाहते लाइफ के अंदर, हम पैटर्न्स में चेंज नहीं चाहते। हमें लगता है कि नहीं, मैथ्स हमारे डिफिकल्ट है, हम नहीं करेंगे, तो हम नहीं करेंगे, हम उसे ट्राई भी नहीं करते। स्टैट्स डिफिकल्ट है, टैक्स डिफिकल्ट है, मार्केटिंग डिफिकल्ट है, जिस चीज़ के बारे में हमने मन के अंदर लगा के रख लिया, हम उससे चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंट रहते हैं। हमें चेंज होना पड़ेगा, कुछ हाथों को बदलना पड़ेगा, और हमेशा जो है वो ज़ीरो से शुरुआत करिए। मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा, क्योंकि अक्सर उन घड़ों में जो है वो अक्सर पानी भरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या उनको तैयार करना मुश्किल हो जाता है, जो पहले से जो है वो आधे भरे हुए होते हैं। और इसके मुकाबले अगर आपको एक ऐसा खाली इंसान, एक ऐसी ऐसा को जो खाली मटका अगर मिलता है, तो उसे भरना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। तो आपका दिमाग भी वैसा ही है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस मत रखिए, आप एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करिए। 6 महीने आपके सामने पड़े हैं, पेपर को तैयार करिए, और अगर आपको कोई ऐसी फील्ड दिखती है जिसमें इससे ज़्यादा आपको कामयाबी
मिल सकती है तो वहाँ जाइए, इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये इकलौता रास्ता है तो इसे छोड़िएगा मत, ये आपके बहुत काम आने वाला है। एक और चीज़, हम कहने को यहाँ कुछ भी बोल दें लेकिन आप अपनी इवैल्यूएशन सबसे बेहतर शायद खुद करते हैं और आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, आप अपनी असेसमेंट जो है वो बेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी इंसान जो है वो सही रास्ता आपके अलावा नहीं दिखा सकता। हम सिर्फ आपको एक गाइडेंस के रूप में बता सकते हैं कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेसन के थ्रू कैसे हम मदद कर सकते हैं, टॉपिक्स के थ्रू ये बता सकते हैं। हो सकता है कि हमारी फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हों जो शायद आपको तरह तरह की चीज़ें बता के जो है शायद गुमराह भी कर दें, शायद पैसे भी जो है वो आपसे ले लें। एजुकेशन के अंदर ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि चाहे आप दिन में 1 घंटे पढ़ें या 2 घंटे पढ़ें, इट डजेंट मैटर आधे घंटे पढ़ें, लेकिन रोज़ आप इतना पढ़ें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। कॉन्स्टेंट आपको जो है एफर्ट्स लगाने होंगे, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और बात, ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता आप लोगों का, कम से कम समय में आपकी जो जितनी हेल्प कर पाऊँ उतना जो है मेरे लिए बहुत होगा। प्लस कोर्सेस या फिर फ्री लेक्चर्स या फिर यूट्यूब, जो कि एब्सोल्युटली आप लोगों के लिए फ्री है, तो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता प्लस लेक्चर्स को, देर इज़ नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट। मेरा मटीरियल प्लस कोर्सेज में आए या फिर फ्री लेक्चर्स में आए, लेसन का मटेरियल मिला के देख लीजिए, वो सेम होता है और एक्सप्लेनेशन सेम होती है। मैटर सिर्फ यही करता है, वहाँ टाइम ज़्यादा है हमारे पास, दिन में देने के लिए 5 घंटे हैं, यहाँ दिन में देने के लिए 10 से 20 मिनट है, बस ये फ़र्क जो है वो हमेशा रहेगा। इस फ़र्क का शायद मैं भी कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर आप प्लस क्लासेज में आते हैं उन लोगों से पूछिए कि उन्होंने प्लस क्लासेज ने उनकी हेल्प की है या नहीं की है, उनसे रिव्यू लीजिए, और इफ़ यू कैन अफोर्ड टू डू सो, अगर आपको जो है कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है मॉनिटरी बेसिस पे तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आपके लिए प्लस लेसन्स में 600 वीडियोस अवेलेबल हैं, जो कि 600 वीडियोस हैं आपके फ्री लेसन्स में कॉमर्स मैनेजमेंट के। ऑलमोस्ट 100 से 150 200 वीडियो आपको ये मिल जाएंगे और 300 से 400 वीडियो जो है आपको पेपर वन के मिल जाएंगे, जिसमें रिसर्च का कोर्स है, जिसमें क्रैश कोर्स है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स है, जिसमें हायर एजुकेशन का कोर्स है, जिसमें कम्युनिकेशन का कोर्स है, जिसके अंदर पेपर वन के क्वेश्चंस का एमसीक्यूज का कोर्स है। बहुत सारे ऐसे डिस्टेंस कोर्सेज जो है वो आपको मिल जाएंगे। कॉमर्स के अंदर आपको बैंकिंग के कोर्स मिलेगा, मार्केटिंग का कोर्स मिलेगा, सब में 50-60 लेसन से ज़्यादा हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करते हैं प्रिपरेशन में। उन्हें देखने की कोशिश करिए, उन्हें देखिए, उनके बारे में एक राय बनाइए, पसंद आते हैं तो ज़रूर देखिए। इवन आपको यूट्यूब पे मैंने आपको कहा था कि लॉजिकल रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड मैं पूरा करवाने वाला हूँ, अगस्त तक मैं ये आपको 20 या 25 लेसन जो इसके अंदर बनेंगे फुल कोर्स दोनों का मैं डाल दूंगा और आपको नोटिफाई करता रहूंगा। जैसे कि मैंने आपको एक नंबर बताया था जिसमें आप अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं, मेरे पास इतना वक्त ज़रूर है कि मैं आपको एक रिप्लाई कर दूंगा। बस मुझसे करियर प्लानिंग वहाँ मत करिएगा कि सर हमें डर लग रहा है या हमारा मन नहीं कर रहा, तो ऐसा कल एक मैसेज आ गया था कि सर हमारा जो है वो मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो देखिए जहां लगता है पहले वहां से हटाइए तब जाके पढ़ाई में आएगा वो। तो ऐसे सवाल नहीं, अगर आपको कोई सच में प्रॉब्लम है मैसेज कर देना, कॉल करने से बचना। 8920-796-749 पे जो है आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिए अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम है। इस नंबर को सेव करके रख लीजिए क्योंकि मैं स्टेटस में आपको जो है काफी सारे लिंक्स जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। इस नंबर को सेव करके रखेंगे, मुझे हाई या हेलो भेज देना, बिकॉज मेरे को आपका नंबर सेव करना पड़ेगा तभी आपको स्टेटस जो है वो अपीयर होंगे मेरे। तो शुक्रिया आप सभी लोगों का, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपको जो यूट्यूब पे लेसन मिल रहे हैं, फ्री लेक्चर्स अन अकेडमी पे मिल रहे हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में मिलेंगे। उन्हें देखिए, उन्हें ट्राई करिए और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा जो है वो तरीके से शुरुआत से ही जो करिए, क्योंकि प्लस कोर्स में अगर आपको मैं एक सिंपल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आज 15 तारीख है, जो 15 जुलाई है, 15 दिन हो चुके हैं क्लासेस शुरू हुए, 2 क्लासेज आती है, एक क्लास आती है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, दूसरी क्लास आती है 12 बजे से 2 बजे तक दोपहर को। पहली में पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट करवाता हूं, दूसरी के अंदर जो है वो पेपर 1 करवाता हूं। पहली क्लास के अंदर अभी तक हमने जो है वो मार्केटिंग और एचआरएम कंप्लीट कर लिया है और दूसरी क्लास में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है। तो कोर्स की स्पीड वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी मॉनेटरी टर्म्स पर दिक्कत नहीं है तो आप जो है उसे ज्वाइन करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप फ्री लेक्चर से पढ़ना चाहते हैं, देर आर इनफ लेक्चर्स और इनफ मटेरियल अवेलेबल जो आपको जो है काफ़ी हेल्प करेगा अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये फैसला ज़रूर आपका है, मेरा काम है आपको ओवरऑल जो चीज़ें हैं उसके बारे में एक लेजिटमेट तरीके से बताना जो कि आपको जो है हेल्प कर सकें, और मैक्सिमम आपको जो है अगर मदद मिल सके उतना कम होगा। एक लास्ट बात आपसे ज़रूर बोल देता हूँ कि जितने भी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई है, देखिए गाइस ये डिसअपॉइंटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल ठीक है। 1% से 2% से रह जाना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत सैड हूँ। इवन मेरे को जब रिजल्ट्स के दिन बहुत सारे मैसेजेस आए कि हमारा पास हो गया, लेकिन जो कुछ मैसेजेस थे जिनका क्लियर नहीं हुआ है वो शायद ज़्यादा जो है वो दुख पहुँचाते हैं, और इसीलिए मैंने
उस दिन भी यही कहा था एक अपने अपडेट के अंदर कि शायद मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा हूँ जिनका क्लियर नहीं हुआ है, राधा दिन की उन लोगों के साथ की जिनका क्लियर हो गया है, उनको काफ़ी सारे लोग और मिलेंगे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उन लोगों को ज़रूर ज़रूरत होती है, जो एक डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी बहुत रहती है जिनके लिए। लेकिन एक बात ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आप एक पेपर देते हुए दूसरे पेपर तक जब जाते हैं, आप अपने अंदर एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखते हैं या नहीं देखते। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे बिना पहले अटेम्प्ट में बिना पढ़े 49% आए थे, तो इस बार जो है मेरे 55 या 56 जो है वो आ जाएंगे। गाइज ये जो 49 से 56 का जो सफ़र है ये थोड़ा सा मुश्किल सफ़र है, याद रखिएगा कि यूसेन बोल्ट 9.58 सेकेंड्स के अंदर 100 मीटर की रेस पूरी कर सकता है, लेकिन 9.50 के अंदर 100 मीटर की रेस पूरी करने के लिए उसे उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जितनी 9.58 तक आते हुए। जो मार्जिन्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं जब सुपीरियॉरिटी आती है। तो ये जो 50 तक का सफ़र है उससे लेके जो 60 तक का सफ़र होने वाला है, 65 तक का सफ़र होने वाला है, और 55 वालों के लिए 60 और 60 वालों के लिए 65 का सफ़र होने वाला है, वो जितनी मेहनत आपने 60% तक आने में की थी उससे दोगुनी मेहनत मांगेगा आपको 65% में लाने के लिए। तो एफर्ट्स रिड्यूस मत करिए, एफर्ट्स को जो है वो जारी रखिए, और हमेशा याद रखिए कि जो भी आप अगर अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसको लेके श्योर रहिए, और अगर आप श्योर रहते हैं, टारगेट रहते हैं, आपको कोई ना कोई राह जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। क्योंकि हमेशा, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। तो आप घर से निकल चुके हैं, आप जो है वैसे घर से नहीं निकल चुके, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप जो है एक राह पे चल पड़े हैं। तो जिस भी राह पे आप जो है अगर चल रहे हैं उसे मुड़िए मत, एक दो बार और अगर फेलियर आता है तो आने दीजिए, कोई बात नहीं। आप कम से कम कहीं बैठ के पछता तो नहीं रहे ना 20,000 की जॉब में, 25,000 की जॉब में, 30,000 की जॉब में, अपने फादर के बिजनेस में, कि शायद मैं ये कर लेता तो बेहतर रहता। तो बाय एंड डू टेक केयर ऑफ ऑल, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, दोबारा मेहनत करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है जो नंबर दिया है उस पर पूछिए, कंसल्ट कर लेंगे, बात कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फालतू, हम इतने बिजी नहीं हैं, बैठे हैं, खाली बैठे हैं, आप लोगों के लिए चिंता मत करिए। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और अनअकैडमी भी फॉलो करिए, आपको मदद मिलती है। तो शुक्रिया आप सभी लोगों का इतना टाइम देने के लिए, और मैं आपका ज़्यादा टाइम वीडियोज़ में नहीं खाता हूँ, इसमें थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा ले गया हूँगा, बट यहाँ ज़रूरी था। तो शुक्रिया, तैयारी करिए, कैसी लगी वीडियो कमेंट में बता सकते हैं चाहें तो, अक्सर लाइक करने का ये सब कहने का जो है मैं भूल जाता हूँ, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स।